हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जीके जी। शिवशंकर जीके जी इसमें एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का टॉपिक प्रमुख रोग एवं टीका, यानी जो अभी तक लगभग लगभग पूछा जाता है 7-8 जो हो वही हम बताएंगे इम्पोर्टेंट, जो अभी तक लगभग इसी में से ये 7 हम है ना, इस 7 में से ही पूछा जाता है। पारा मेडिकल के एग्जाम इससे बाहर नहीं पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे तुरंत लग ले आपको कि कौन से रोग से कौन सा फसल प्रभावित होता है, यानी कौन से फसल में कौन सा रोग होता है वो बता देते हैं, इम्पोर्टेंट होता है। देखिए तो स्टूडेंट्स, लिखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए टीबी, यहाँ पे पहला रोग की बात करते हैं। टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, यानी हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। तो भारत सरकार भी, आप लोग भी जानते हैं कि भारत सरकार की एक योजना भी चलाई गई थी कि टीबी को भारत मुक्त बनाना है। तो टीबी का जो टीका पड़ा जाता है ना, वो BCG का टीका दिया जाता है। इसको बचने के लिए, टीबी से बचने के लिए BCG टीका, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे बचपन में जन्म लेते ही BCG का टीका दे दिया जाता है, ताकि वो कभी उसको बीमारी टीबी का ना हो। और टीबी जो रोग होता है लगभग वंशगत भी चलता है, क्योंकि अगर किसी को वंशगत है तो उससे भी होते ही, या किसी को टीबी हो गया तो उसके संपर्क में रहने से भी हो जाती है। चलिए देखिए उसके बाद है टीटेनस। क्या टीटेनस, यहाँ पर समझिएगा टीटेनस, लेकिन लोग बोलते हैं टेटनस भी। तो टीटेनस जो होता है, और एक होता है डिप्थीरिया और एक काली खांसी, ये तीनों का जो टीका दिया जाता है ना वो होता है DPT। क्या होता है? DPT, सब लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है टाइफाइड। क्या आता है? टाइफाइड। तो टाइफाइड तो सब जानते हैं, बुखार के थ्रू होता है। जो बुखार होता है ज्यादा दिन तक, अगर 4 सप्ताह तक बुखार ठीक ना हो, 1 सप्ताह से ज्यादा बुखार हो, तो अगर 4 सप्ताह धर लिया जिसको लगातार बुखार, समझिए वो टाइफाइड का फिर लक्षण आ जाता है। तो टाइफाइड की टीका क्या पड़ता है? TAB। क्या पड़ता है? TAB। और इसकी जाँच तो जानते हैं, बिडाल टेस्ट होता है। उसके बाद है पोलियो। तो पोलियो का जो रोग होता है ना, प्रमुख रोग जितना हम बता रहे हैं सब प्रमुख रोग है और पूछा हुआ एग्जाम में है, समझे। और इससे इस 7 से ज्यादा पूछेगा भी नहीं, ये गारंटी है। देखिए पोलियो, अब पोलियो को जो टीका पड़ती है ना, इसका कोई, इसका नाम ही है पोलियो वैक्सीन, लेकिन इसको प्रचलित नाम हो, इसको बोलते हैं साक वैक्सीन। क्या बोलते हैं? प्रचलित नाम साक वैक्सीन, याद रखिएगा। उसके बाद एक चेचक, जिसको बोलते हैं छोटी माता, बड़ी माता, मंझली माता, बोलते हैं ना चेचक। चेचक तो सबको जानता है कि वायरस होता है, पोलियो वायरस से होता है ना। तो चेचक का प्रचलित नाम ही चेचक का टीका है। ऐसे इसका वेरोलिनम होता है, वेरोलिनम। तो लेकिन ये होम्योपैथिक दवा भी जो आता है, इसका नाम वेरोलिनम के नाम से ही आता है। तो अब होम्योपैथिक जो होता है अंग्रेजी से ज्यादा कारगर होता है चेचक के लिए, वेरोलिनम। तो चेचक के लिए चेचक का टीका के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद है हीपेटाइटिस। हीपेटाइटिस या पीलिया, क्या? हीपेटाइटिस या पीलिया, हीपेटाइटिस या पीलिया जो होता है, जिसको बोलते हैं जॉन्डिस, जॉन्डिस बोलते हैं। तो जॉन्डिस को जो होता है ना, जॉन्डिस तो जानते हैं हेपेटाइटिस से, हेपेटाइटिस बी भी होता है, डी भी होता है, लेकिन सबका भी इलाज संभव, डी और के ई का संभव इलाज नहीं हो पाता है। तो हीपेटाइटिस और डी जो होता है ना हेपेटाइटिस, अभी वैज्ञानिक की तरफ से पूर्ण रूप से नहीं आ पाया फैसला कि डी का इलाज होगा कि ना होगा। जो हेपेटाइटिस और पीलिया का जो टीका दिया जाता है, इसका हेपेटाइटिस के नाम से ही जाना जाता है, हेपेटाइटिस का टीका के नाम से, ये प्रचलित भाषा है। उसके बाद है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, तो रेबीज और रोग एक हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज जो होता है ना, चूहा, बिल्ली, छुछुंदर, ये सब, खरगोश, ये सब काट लेगा तो रेबीज हो जाएगा। और रेबीज के लिए आपका जो टीका पड़ता है रेबीपुर पड़ता है, और एक हाइड्रोफोबिया होता है। तो हाइड्रोफोबिया जैसे पगला कुत्ता काट लिया, या कोई पगला ही का है, कोई कुत्ता काट लेगा तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है ना, तो इसके आपका जो टीका पड़ता है HDCV, यानी आपका जो टीका होता है ना रेबीज का, रेबीपुर और हाइड्रोफोबिया का HDCV, ऐसे दोनों का नाम एक ही होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेबीज का ज्यादा नाम प्रचलित हो जाता है, रेबीपुर। और देखिए रेबीज हाइड्रोफोबिया के लिए और ऐसे सटीक दवाई एक हाइड्रोफोर्बिनम भी आता है, जो बहुत बेहतर कार्य करता है हाइड्रोफोबिया रोग में, समझे। सब लिखिए, एक भी मत छोड़िएगा, इंपॉर्टेंट है सब, और इसी 7 में से पूछता है, इससे बाहर पूछो नहीं करता है।
अब इसके बाद देखेंगे हम लोग की फसल यानी कौन सा रोग को किस फसल में प्रभावित होता है। देखिए प्रमुख रोग एवं उससे प्रभावित फसल, यानी जो जो मेन मेन जो आपका रोग है ना, जिससे मेन मेन फसल प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज कि आपका कौन से रोग से कौन सा फसल प्रभाव हो रहा, कौन सा फसल नष्ट हो रहा है, जो हमेशा एग्जाम में पूछता है ना, बिल्कुल वही चीज पढ़ेंगे, उससे बाहर नहीं। और आप लोग को वीडियो आने में लेट इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि आप लोग तो जान रहे हैं कि बीसीसी का जो आपका एग्जाम का डेट था, मेडिकल वालों का जो फार्मेसी एग्रीकल्चर के लिए भरे थे, उनका तैयारी चल रहा था, तो उन लोग का डेट आ चुका है, 10 अक्टूबर को उन लोग का एग्जाम है और नवंबर में पारा मेडिकल का होने का संभावना है, इसलिए उन लोग को पहले एक महीना लगातार अब चल रहा है, दिन रात टेस्टे चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा उनको रोक दिया गया। फिर आप लोग आप उनको दिन रात टेस्ट चल रहा है ना, तो थोड़ा उन लोग का वीडियो कम और टेस्ट ज़्यादा, इसी कारण आप लोग को थोड़ा सा लेट हो जाता है। कोई बात नहीं, जब पारा मेडिकल का भी एग्जाम होगा तो इसी तरह से एकदम चलेगा आपका पूरा। उसके बाद मौखिक टेस्ट भी होता है, सप्ताह में तीन दिन मौखिक टेस्ट उन लोग का ले रहे हैं, उसी तरह आप लोग का भी पारा मेडिकल का भी लेंगे मौखिक टेस्ट। और कॉलेज आएगी सबके पास, 15 या 20 मिनट का रहेगा सबका समय, कॉलेज आएगी एक स्टूडेंट पे 15 या 20 मिनट और सबसे क्वेश्चन पूछी जाएगी, आपने टॉपिक बताया रहेगा, उतना आपने याद किया है। चलिए देखिए रोग देखते हैं, सफेद कीट रोग। सफेद कीट जो रोग होता है ना, वो किसको प्रभावित करता है, किस फसल को प्रभावित करता है, तो वो है सरसों को प्रभावित करता है, मस्टर्ड को प्रभावित करता है, तो मस्टर्ड मतलब सरसों ही होता है। टिक्का रोग क्या होता है, टिक्का रोग, तो टिक्का जो रोग होता है, टिक्का देने वाला, वो मूंगफली को प्रभावित करता है, चिनिया बादाम जरा बोलते हैं मूंगफली। उसके बाद है अंगमारी, अंगमारी या पिछौला अंगमारी के नाम से भी जानते हैं, अंगमारी या पिछौला अंगमारी भी कहते हैं नेरा, तो अंगमारी जो होता है ना, ये रोग होता है आलू में, और अंगमारी रोग अगर प्रभावित करता है तो आलू को प्रभावित करता है, आई आलुआ को प्रभावित करेगा ना, तो क्या करेगा, आलुआ मिट्टिया के अंदर अंदर सड़ जाएगा, पातो नहीं चलेगा, कबाड़िएगा तो खाली पेड़वा निकलेगा, बाकी सड़ल का ओकरे में रह जाएगा मिट्टी में ही। चलिए आगे देखिए, उसके बाद है बिल्ट रोग। बिल्ट रोग होता है चना में, और चना में बिल्ट रोग होगा तो जानते क्या होगा, चनमा के खोल कोइया ऊपर रहवे करेगा, अंदर में पीलू लगा रहेगा चना में। उसके बाद देखिए काला रस्ट, इसको याद रखिएगा, काला रस्ट, पीला रस्ट, टीला रस्ट, भूरा रस्ट, किट्टू रोग, कितना नाम है, काला रस्ट, पीला रस्ट, टीला रस्ट, भूरा रस्ट, किट्टू रोग। हम देखिए पढ़ने में आसान है, काला पीला टीला भूरा, काला पीला टीला भूरा, और किट्टू रोग किस में होता है, तो गेहूं को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, गेहूं को, और गेहूं को प्रभावित करेगा तो क्या करेगा, ये सब रोग हो जाएगा, तो गेहूं कैसन होगा पता है, गेहूं होगा ओकर जड़ भी होगा सब चीज होगा, लेकिन उसके जो आगे का जो फसल का जो तना होगा ना गेहूं का, वो सड़ा हुआ होगा, और उसके अंदर जो गेहूं का बीज होगा छोटा छोटा महीन महीन होगा। उसके बाद देखिए खेरा रोग, झुलसा रोग, झोंका रोग, एकदम समझिए, खेरा रोग, झुलसा रोग, झोंका रोग, ये किसको प्रभावित करता है, तो धान के फसल को प्रभावित करता है, और जकरा में इधर धार लिया ओकरा में अनाज नहीं होगा, खखड़ी होता है, खखड़ी नाम जानते हैं ना धान के। चलिए आगे, उसके बाद है मोजैक रोग, टोमैको मोजैक वायरस होता है जानते हैं मोजैक रोग, तो मोजैक रोग जो होता है आपका तंबाकू के पेड़ को भी नष्ट करता है, तंबाकू के फसल को नष्ट करता है। लाल सड़न रोग, तो लाल सड़न रोग आप सबको जानते हैं कि लाल मोहन के तारी की बोलती है, तो लाल सड़न रोग गन्ना में होता है, अरे गन्ना का नाम हम लोग रख देते हैं ना, लाल मोहन, काला मोहन, हरिया मोहन नाम रखते हैं ना, हल्का बैगनी बैंगनी का होगा तो और नाम रख देते हैं लाल मोहन रख देते हैं ना, तो लाल सड़न रोग गन्ना में होता है। उसके बाद है उकट्ठा रोग, क्या उकट्ठा रोग होता है, तो उकट्ठा रोग जो होता है वो होता है टमाटर, उकट्ठा रोग में देखिए कैसे होगा, ये टमाटर, तो टमाटर में रहेगा एकदम टमाटरवा रहेगा एकदम बेहतरीन, देखिए टमाटर बना रहे हैं,
है टमाटर, देख लीजिए टमाटर बन गया और थोड़ा बेहतरीन चलते हैं। टमाटर है ना, अरे टमाटर है, खा मत रहिएगा, टमाटर है। तो एकरा में जे इधर लेगा ना उठा रो उठा रहेगा, देखिए कैसे फलवा सही माप का पेड़वा सही रहेगा, लेकिन फलवा कहीं कहीं से कहीं यहां से कट के आधा सड़ के गिर जाएगा, कोई कोई फल यहां से सड़ के आधा गिर जाएगा, यहां से गिर जाएगा कट के, फलवे कट के आधा आधा गिर जाएगा, एकरा में फफूंद लग जाएगा, समझे, एकरा में लग जाएगा फफूंद, तो एकरा तोड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं कि उकटा रोगे। अरे उकटा नहीं बोलता है लोग, बोलता है ना कि मिला चूहा खेल के रुखिया ना जैसे साड़ के ले, बोलता है ना, तो ये उकटा रोग से। अरे चूहा रुखिया खाएगा तो सब फलवा के खा जाएगा, कोई का दो के ना खाएगा जी, लेकिन जिक्रों में धर लिया खेत के खेत बर्बाद कर देता है उकटा रोग। चलिए आगे देखिए, उकटा रोग समझ रहे हैं ना, उकटा रोग और लाल सरान रोग, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता, जो पूछता रहता वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं, और इसको लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बृहस्पतिवार को टेस्ट है सामान्य ज्ञान का। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।